और शोरूम में जाके 2021 बूसा बुक करेंगे। जिस भी कुर्सी वुर्सी में बैठे हो या लेटे हो बेड बेड में, पकड़ लो अपने आसपास जो भी है, R8 की इंश्योरेंस हुई है गाइस। हेलो गाइस, दिस इज अश्विन सिंह ठाकियार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस आज इतनी सारी गुड न्यूज़ है ना, मतलब कि आज का व्लॉग होने वाला बहुत अमेजिंग। और लिटरली बाहर धूप देखो कितनी बढ़िया हो रही है और जनक यहाँ पर धूप सेक रहा है हमारे साथ। ओहो, मज़ा आ गया। इतनी तबीयत खराब हो रखी थी गाइज, इसलिए दो दिन व्लॉग नहीं कर पाया बिल्कुल भी। एक्चुअली थोड़ी सी साइनस की प्रॉब्लम रहती है तो यहाँ सारा साइनस जम जाता है इधर इधर, तो बहुत पेनफुल हो जाता है। एंड साइनस की वजह से कभी कभार फीवर भी हो जाता है, तो फीवर हो रखा था पर डोलो 650 जिंदाबाद भाई वो खा के अब आज दोबारा व्लॉग कर रहे हैं। और आज है वीकेंड, आज है अपना दिन पूरा फ्री, तो आज R8 में होना है थोड़ा सा काम। आज का दिन पूरा बस R8 के नाम पर डेडिकेट करा हुआ है। दो चार काम है अभी, गाड़ी में बैठ के बताऊंगा क्या क्या कराना है, बट उससे पहले गुड न्यूज तो सुन लो भाई लोग। तो भाई लोग स्टार्ट करते हैं पहली गुड न्यूज से। आपके भाई ने करा दी है ब्रांड न्यू थार 2021 बुक। अपनी थार जल्दी आ जाइए बस ये लगा लो। और जिसने रैंगलर वाली वीडियो देखी है वो अब आप लोग सोच रहे होगी भैया आपने तो मना किया था थार नहीं लोगे, रैंगलर की कॉपी है और फलाना ढिमकाना। बट भाई रैंगलर से ऑफ रोडिंग करनी बहुत महंगी पड़ जाती है। एक तरीके से रैंगलर को आप पेल नहीं सकते थार की तरह, क्योंकि पार्ट्स वगैरह सारे बहुत एक्सपेंसिव है। कैपेबिलिटी रैंगलर की ज़्यादा है थार से, बट यहाँ पर इंडिया में उसके पार्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए हम थार लेंगे फार्म हाउस वगैरह जाने के लिए और ऑफ रोडिंग करने के लिए, ताकि कुछ टूटे फूटे भी तो ज़्यादा खर्चा ना आए और अपने पैसे बचें। तो यह पहली गुड न्यूज़। दूसरी गुड न्यूज़ है भाई, अपनी R8 का एग्जॉस्ट ऑर्डर हो चुका है। अभी एग्जॉस्ट का नाम बता के नहीं बताऊंगा कौन सा है, नहीं तो सरप्राइज खराब हो जाएगा, बट इट इज गोना बी लाउड। एंड एक बटन दबाते ही बस शांत, फिर एक दूसरा बटन दबाते ही लाउड, मतलब कि इतना अमेजिंग एग्जॉस्ट होने वाला है। सो दैट हैज बीन ऑर्डर्ड एंड बस उसकी वेट जा रही है जल्दी से वो आए। और तीसरा सरप्राइज ये है गाइस कि सुजुकी ने लॉन्च कर दी है फाइनली 12 साल बाद बूसा का अपडेटेड वर्जन 2021 आया। बूसा लॉन्च नहीं करी है अभी, रिवील करी है, और 5 फेब को वो लोग बाइक को लॉन्च करने वाले हैं। एंड 6 फेब को भाई अपन लोग, हमारी टीम था क्या, आप सबको साथ लेके चलूंगा और शोरूम में जाके 2021 बूसा बुक कराएंगे। यस गाइज, 5 को लॉन्च होगी और अपन लोग 6 को ही जाकर उसको बुक करा देंगे। एंड मेरे हिसाब से मार्च एंड तक अपनी बूसा भी आ जाएगी 2021। तो आज के व्लॉग में इतनी सारी गुड न्यूज़ है, अब जल्दी से चलते हैं, टाइम और भी ना वेस्ट करते हुए R8 बाहर निकालते हैं और उसको लेके चलते हैं उसका काम करा लें। सी यू। तो भाई लोग गाड़ी में आ चुके हैं हम, और स्पेशल शाउट आउट तो भाई नितिन भाई ने स्पेशल हमारी Audi के लिए, आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, R8 का ये कीचेन बनाया है नितिन भाई का, कीचेन्स और कस्टमाइज नंबर प्लेट्स रैपिंग इस सब का काम है। तो नितिन भाई का इंस्टाग्राम नीचे दे दूंगा, स्क्रीन पर आ रहा होगा, जल्दी से भाई को फॉलो कर लो। और जिसने कस्टमाइज कीचेन्स या रैप करवानी अपनी बाइक्स और कार्स, तो आप नितिन भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ऑब्वियसली भाई टीम ठकियार के लिए स्पेशल ऑफर है, स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। थैंक यू सो मच नितिन भाई, आई हाईली अप्रिशिएट दिस एंड दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड, थैंक यू सो मच, इट लुक्स ब्यूटिफुल। अभी तो चलो गाड़ी में आ गए हैं, और एक चीज़ मैं नोटिस करी भाई, TT से कितनी कम मतलब ब्राइटनेस आती है इस गाड़ी में, मतलब कि इसमें इतनी छोटी विंडोज़ हैं और इतनी नीचे है कि लाइट आ ही नहीं पाती गाड़ी में बिल्कुल भी। और अभी रोड पर हैं, अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी में आज सबसे पहला काम क्या करवाना है भाई, काले शीशे करवाने हैं, फिल्म चढ़वानी है गाड़ी के शीशों पे। आई नो इट्स इलीगल बट इट इज़ वेरी नेसेसरी इन दिस कार, बिकॉज इस गाड़ी में क्या रहता है, आपकी बिल्कुल प्राइवेसी नहीं रहती। अभी भी आसपास से जो निकल रहा है ना, हर कोई गाड़ी में देखता जाता है और साथ रुक के देखते रहता है, प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो जाती है। रेड लाइट पे रुकते हैं ना, सबसे नीचे होती है ये गाड़ी, तो एवरीबॉडी कैन ईजिली पीक इन टू द कार एंड इट गेट्स वेरी अनकम्फर्टेबल कि रेड लाइट पर आप रुके हो और सबकी नज़रें आप पे हैं, तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो जाता है कई बार। तो इस रीज़न से हम इस पर फिल्म चढ़वाएंगे, ज़्यादा डार्क नहीं चढ़वाएंगे पर इतनी चढ़वाएंगे कि भाई प्राइवेसी इन्वेड ना हो, सबसे पहला काम ये करवाना है। फिर हमने एक और जगह इसको लेके जाना है, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो एग्जॉस्ट से रिलेटेड है, उनको मैंने गाड़ी दिखानी है और उनको बताना है कि ये एग्जॉस्ट है, क्या वो लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, पर वो जगह फिर एग्जॉस्ट आने के टाइम पर ही दिखाएंगे। तो अब जल्दी से चलते हैं और गाड़ी पर चढ़वाते हैं फिल्म। और आ गया आपका अपना गौरव जोन।
तो भाई फिल्म चढ़ रही है अभी, पीछे चढ़वाएं ना चढ़वाएं, मैं इंजन छुपाना नहीं चाहता, पर इसके इंजन के पीछे एक और छोटी सी खिड़की है जो कैबिन को अलग करती है, उस पर चढ़ा देंगे, फ्रंट पे नहीं चढ़वाएंगे क्योंकि फिर वो कुछ ज़्यादा ही इलीगल हो जाएगा और सबकी नज़रों में आएगी। तो अभी तक तो सही है भाई, साइड के चढ़ गए हैं, क्वार्टर पैनल्स अभी रहते हैं, फ्रंट का मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ, चढ़वाएं ना चढ़वाएं देखते हैं। गाइज पूरी गाड़ी पे फिल्म चढ़ चुकी है और ये हमने 3M की चढ़वाई है, 35%, दिस इज़ जेन्युइन 3M, और मतलब कि मेरे को जितनी डार्क चाहिए थी उतनी ही डार्क है, ज़्यादा मैं डार्क करना नहीं चाह रहा था क्योंकि भाई इलीगल ज़्यादा ना हो जाए, और आगे फिल्म नहीं चढ़वाई है, पीछे वाले शीशे पे नहीं चढ़ाई क्योंकि हमें इंजन छुपाना नहीं था गाड़ी का, तो इसलिए नहीं चढ़ाई, पर अंदर जो कैबिन और इंजन को अलग करता है उस शीशे पे हमने चढ़ाई, अंदर सेम 35% ही कुछ ऐसा लुक आ रहा है गाड़ी का, मतलब आई थिंक भाई टिंट्स शुड बी लीगल, और गाड़ी पे मतलब जब तक फिल्म ना हो, हल्की हो चाहे, जब तक फिल्म ना हो तब तक लुक नहीं आती गाड़ी की। और बट मेरा बेसिकली रीज़न ये था चढ़वाने का कि भाई कि प्राइवेसी इश्यूज़ थे बहुत, रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी होती है तो सबसे नीचे होती है, हर कोई अंदर झांक के देखता है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है ज़्यादा, और गाड़ी अभी फिल्म चढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है क्योंकि साबुन वाला पानी वानी मारते हैं इस पर सारा फिल्म चढ़ाने के लिए, तो अभी इसको देंगे डिटेलिंग पे कल, और उसके बाद बनाएंगे इसका डिटेल रिव्यू, पूरी गाड़ी ऐसे चमकती हुई फिर बनाएंगे, अभी गंदी गाड़ी का रिव्यू नहीं करना। सो गाइज एक ही साथ बहुत ही तगड़ा फटका पड़ गया है अपने को क्योंकि अपनी R8 की इंश्योरेंस भी करानी थी और इंट्रूडर की भी अपनी ड्यू है इंश्योरेंस एंड अपनी BMW की भी ड्यू है इंश्योरेंस, तो इन सब की करानी है और भैया आ चुके हैं वहाँ पर जो फोटोग्राफ्स लेंगे और पॉलिसी बनाएंगे, तो जल्दी से इंश्योरेंस कराते हैं और फिर आगे जाके आपको प्राइसेस बताऊंगा, एंड सीरियसली गाइज माइंड ब्लोन वाला सीन हो जाएगा, इतनी महंगी इंश्योरेंसेज, मतलब R8 की तो प्राइस सुन के हिल जाओगे, तो स्टे ट्यून्ड, फटाफट बाइक बाहर निकालता हूँ, गाड़ी बाहर है, गाड़ी की फोटोग्राफ्स हो चुकी हैं, बाइक की फटाफट फोटोग्राफ्स लेंगे और फिर इंश्योरेंस करवाएंगे सारी तीनों चीज़ों की, और इसी वजह से मैं R8 ज़्यादा चला नहीं रहा था बिकॉज द कार वॉज नॉट इंश्योर्ड, अब इंश्योरेंस हो जाएगी तो हम उसको चलाएंगे बहुत ही ज़्यादा। इस सांड को हिलाना इतना मुश्किल है ना गाइज, अगर मेरी इंट्रूडर का रिव्यू और मेरी GS R1 का तो बना दिया भाई हमने, GS का रिव्यू GT का भी बना चुके हैं, इंट्रूडर का रिव्यू चाहिए, R8 का आने वाला है, GLS का आने वाला है, रैंगलर वगैरह का आ गया था, TT का आ गया था, इन दोनों बाइक्स का भी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता दो, हम इन दोनों का भी बढ़िया सा रिव्यू कर देंगे। फिलहाल इस हाथी को बाहर निकालने के लिए एक ही हाथी भी कम पड़ रहा है क्योंकि जूते बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं। यार भाई लोग एक सजेशन दो यार, मेरे पास ये RX 135 है 5 speed, इसका हमें क्या करना चाहिए, मतलब हम इसको बिल्कुल रिस्टोर करें बिल्कुल जैसी फैक्ट्री में खड़ी होती थी वैसी ब्लैक कलर की शाइनी, या फिर इसको हम मॉडिफाई करें और इसमें अपसाइड डाउन फोक्स वगैरह लगाएं, मेरा मन इसको प्रॉपरली रिस्टोर करने का और बिल्कुल जैसे कंपनी से आती थी वैसा करने का है, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ इसका क्या करना है, और अगर किसी को दिल्ली में कोई अच्छा रिस्टोरर पता है जो RX 100 RX 135 का बहुत अच्छा काम कर देगा तो भाई लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ या मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करो ताकि हम इसको यार जल्दी से रिस्टोर करें, इतनी मतलब आइकॉनिक ब्यूटी और ऐसे खड़ी है गंद में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको जल्दी से तैयार करते हैं, कॉमेंट सेक्शन में हेल्प करो अपने भाई की प्लीज़। सो गाइज हम लोग आ गए हैं घर और जनक मंडरा रहा है उत्सव, भाई मुझे एक बात बताओ, आप लोग सारे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, उत्सव को क्यों नहीं करते भाई, क्यों नहीं इसको प्यार दिख रहा भाई, ये भी टीम टकियार है भाई, इसको भी प्यार दिखाओ, इसको फॉलो करो भाई, कितना टारगेट दें जल्दी बता, टीम टकियार कितना टारगेट दें, 5,000 भाई टारगेट आज के वीडियो में टीम टकियार का, उत्सव को 5,000 फॉलोअर करवाने और सारी फोटोज पे बढ़िया बढ़िया लाइक्स और मतलब फुल ऑन प्यार, सब भी टीम टकियार है, जनक भी टीम टकियार है भाई, जल्दी से फॉलो कर लो और बस जैसे मेरे को प्यार दिखा दो वैसे ही प्यार दिखाओ। अच्छा मेन चीज़ गाइज अभी उत्सव कर रहा है थोड़ा सा वैसे काम और मैं भी फटाफट बस अभी ऊपर आया हूँ, इंश्योरेंसेस वगैरह सारी करवा के पेमेंट्स वगैरह सब करके और अब मेरे को निकलना है ऑफिस, बट उससे पहले मैं बताया था आपको इंश्योरेंसेस कितने की हुई, बता दे भाई उत्सव
भाई जिस भी कुर्सी वर्सी में बैठे हो या लेटे हो बेड बेड में पकड़ लो अपने आसपास जो भी है। R8 की इंश्योरेंस हुई है गाइस 3,75,000 की। मतलब जब मैंने भी पहली बार सुना था ना कोट मैं भी हिल गया था, एंड दिस वाज द चीपेस्ट कोट आई कुड गेट फ्रॉम एनीवेयर। तो 3,75,000 की R8 की इंश्योरेंस और 26,000 की हुई है हमारी इंट्रूडर की इंश्योरेंस और 24,000 की हुई है हमारी BMW की इंश्योरेंस। तो मतलब ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, मतलब 3,75,300-357 ऐसा कुछ और 26,000 कुछ ऐसे ऐसे मतलब ऐसा फिगर है, बट मैं आपको राउंड अबाउट करके बता रहा हूँ कि भाई मतलब इतना मोटा खर्चा बैठ गया है। तो भाई जनवरी तो हमारा बहुत ही खर्चीला गया, पहले दो दो गाड़ियों की परचेज, उसके बाद दो दो भी नहीं भाई थार भी बुक, और उसके बाद बूसा का भी खर्चा आने वाला है। तो भाई बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, जल्दी से प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करा हुआ तो, और लाइक कर दो इस वीडियो को और एंथुजियास्ट तक पहुंचाओ इस वीडियो को। भाई थोड़ा यूट्यूब मनी हमें भी आना शुरू हो, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें ले रहे हैं आपके कॉन्टेंट के लिए, तो भाई हमारे को भी तो थोड़ा सा कुछ रिटर्न। मजाक कर रहा हूं, अपना ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, यूट्यूब मनी का अपने कोई लालच नहीं है, ऊपर वाले की दया से अपना काम बढ़िया है। यूट्यूब इज माई पैशन और बस ये मेरा शौक है और मुझे मज़ा आता है आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लाने में। और आप लोग जब मुझे रोड्स वगैरह पे मिलते हो और लोग मुझे जानते हैं और मेरे साथ फोटोज खिंचाते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम ओनली डूइंग दिस फॉर रिकग्निशन, बट दैट्स दैट भाई। तो एक चीज़ है, ये सुपर कार को मेंटेन करना भाई सीरियसली बहुत मुश्किल है। अगर ये गाड़ी खड़ी भी रहे तो इसका इतना खर्चा तो बस इंश्योरेंस का है, उसके अलावा इसका सर्विस वगैरह का भी खर्चा है, वो भी 1,50,000-1,50,000 के आसपास होगा ही होगा। तो भाई हाथी लेना आसान है, पालना बहुत मुश्किल है। जो कहावत सुनी थी वो आज सची हो गई है, बट कोई बात नहीं भाई, अपने पैशन के आगे कुछ भी नहीं है। पैसा कमाते ही किस लिए इंसान भाई, मेहनत करता ही किस लिए, सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो आप लोग भी ऐसी मेहनत करो और अपने सारे शौक पूरे करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना याद से, उत्सव को फॉलो कर लेना, मेरे को भी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, एंड बेल आइकन दबा देना भाई।